अगर कपिल सिब्बल का आर्गुमेंट सुन लिया जाए सुप्रीम कोर्ट में तो ऐसा लगेगा कि ये लोग सिर्फ पैसों की वजह से ही आज तक सारे केसेस जीतते आ रहे हैं। इन्हें खरोंच भी आ जाए तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा तुरंत खुल जाता है। कल उद्धव ठाकरे के तरफ से बहस करते हुए कोर्ट में इन्होंने कह दिया कि एमएलए एमपी कोई नहीं है, वो लोग सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे की वजह से हैं, वो कुछ भी नहीं है। उन लोगों को हमेशा उद्धव ने रूल किया है और आगे भी उन्हें उद्धव के सामने सिर झुका के रहना होगा। मतलब कपिल सिब्बल कहना चाह रहे हैं कि उद्धव कहे उठ तो उठ जाए सब कोई और वो कहे बैठ तो बैठ जाए सब लोग। अब बताइए कि कपिल सिब्बल ने ऐसा कौन सी डेमोक्रेसी में देखा है। थेथरही करने में सिब्बल को कोई पछाड़ नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट में इनका केस एक घंटे में लिस्ट हो जाता है और अगले मिनट में सुनवाई भी होने लगती है। पार्टी तो गई, अब लड़ाई पार्टी फंड और पार्टी ऑफिस के ऊपर आ गई है। उद्धव ने विधानसभा में फ्लोर टेस्ट ना देकर अपने सारे रास्ते बंद कर लिए हैं। बड़े बड़े वकील भी उद्धव के 300 करोड़ रुपए और करीब 1000 करोड़ के ऑफिस को नहीं बचा पाएंगे।